हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है, शंकर भगवान को दूध से ही नहलाते हैं, तो भक्त क्यों नहीं दूध से नहा सकते? जब भगवान नहा सकते तो भक्त नहा सकते। हम जब बुजुर्गों के पांव छूते हैं ना, तो वो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, लक्स लगाओ पूतो फलो, या लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? हमेशा कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। तो बुजुर्गों की इतनी तो मानो कि दूध से नहाओ। अब दूध से नहाने के फायदे क्या हैं? दूध से नहाने का फायदा, एक तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, गाय पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी, पशुधन बढ़ेगा। दूध एक अकेली चीज है पूरी दुनिया में जो लगाने के 2 मिनट बाद ही गंदगी को खींच लेता है, इसलिए ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिंजिंग होता है, सोप क्लिंजिंग कहीं नहीं होता। तो आप सोचो, नहाना दूध से शुरू करो।